फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अजनबीज इन कुवैत ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ तो आज आए हैं हम बुक शॉप मार्केट, कहाँ पर है ये बताओगे? एक्चुअली लोकेटेड इन कुवैत फेयर ग्राउंड है जो मिसरिफ में है। यहाँ पर अच्छा खासा लगा है फेयर, ईटेबल्स है और एक्सेसरीज है बच्चों के लिए। हाँ, क्लोथिंग ईच एंड एवरीथिंग है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी बेफिक्रे ब्लॉग्स का, जिनका नाम है दिव्या एंड विकास, उनके थ्रू हमें इसके बारे में पता चला है। और ये 3 दिन का इवेंट है, 29, 30 एंड 31। टुडे इज़ फ्राइडे और हम लोग आज, जैसे कि ऑलमोस्ट सबको छुट्टी होती है, तो हम लोग ने प्लान किया कि आज यहाँ पर विजिट करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ पैरट्स रखे थे, जिसमें से ये जो दो आप लोगों को दिख रहा है ये मकाओ लार्ज है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, इतने सारे फुल ऑफ कलर्स। और ये वेल ट्रेन्ड है, सारे के सारे इनको बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग मिली गई है। इनका एग्जीबिशन लगा था यहाँ पर और जिनको परचेस करना था उन्हें इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके उन्हें मैसेज करना था, तो फिर वहाँ पे वो लोग जो वैरायटीज़ है या फिर जो प्राइजेज़ है वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जो वाइट में है ये कॉकटू पैरट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट भी था, तो मैंने इसको ट्राई की अपने हाथ में लेने की। जो इनके ट्रेनर्स थे वो बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करा रहे थे सभी को। उसको लो गोद में। ये दोनों पैरेट इलेक्टस एंड अफ्रीकन ग्रे थे। ये एक विंटेज कार डिस्प्ले पर थी और बहुत सारे इस पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये कलर वाइज एंड जो उसकी डिज़ाइनिंग थी वो भी बहुत अमेजिंग थी, तो कुछ क्लिप्स मैंने भी अपने ले लिए उसके साथ। लाइक आज का ऑफर है, अगर आप लेते हो तो 5 KD में पर पीस होगा, अदरवाइज 10 KD वन ड्रेस। बहुत ही ज़्यादा इस शॉप में सारे विंटर जैकेट के सेल्स थे, नो डाउट ये बहुत एक्सपेंसिव थे और सबके प्राइजेस बहुत हाई रेंज लग रहा था, लाइक स्टार्टिंग ही कुछ अराउंड 30 KD, 25 KD वन पीस। कैसा है मटेरियल? मटेरियल तो बहुत ज़बरदस्त, ठंडी के लिए एकदम बेस्ट है। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था जो येलो एंड ब्लू में है, इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट था और क्लासी लग रहा था, लाइक डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी इसकी। तो ये था बुक शॉप मार्केट, तो इस तरह से थीम था। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हम लोग दोनों यहाँ पर,
ये मिश्रिफ एरिया में एक्चुअली रेजिडेंस लगाने के लिए आते हैं हम लोग, पर ऐसे फर्स्ट टाइम घूमने फिरने के तरीके से आए। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना और बहुत अच्छे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट अस। मशा, आर यू मेकिंग टी? यहाँ पे पूरा अरेबियन थीम का कॉन्सेप्ट लगा था, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं और कैसा उनका अटायर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। ये बेदुइंस लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पुराने जमाने थीम बनाया गया। हाँ, पुराने जमाने का रेडियो। ये रेडियो ऐसा होता था। टर्किश स्वीट है ना ये, इसमें टर्किश टर्किश केक है वो, और जो उसके बाजू में वो बसबूस है। अच्छा, ये बसबूस है। कैसा है इसका फ्लेवर? मज़ेदार। कैसा है, कुछ एक्सप्लेन करो कैसा लग रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, टर्किश केक। हाँ, और चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, टोटल चीज़ का फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा जली जैसा है, स्मूद है ये, जैसे मलाई जैसी होती ना, मस्त। आई होप ये 2023 हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी के मौके लाए और हमें एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। हनी बी का क्या है ये? हनी कोम। देख, पूरा इन लोगों ने डिस्प्ले पे रखा है इसको, है ना? सबके हनीज है, वाइट कलर की भी है। ओके, बिन ईद हनी, वाइट हनी विद सैफ्रन। सही है। ये देखो, ये क्या चीज़ है? वो हनीकॉम है, ये भी एडिबल है, इसको खा सकते हैं। ओके, ये फन जोन का एरिया था बच्चों के लिए, बहुत ही क्राउडेड था और मैंने और मार्शा ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किए। यहाँ पर लाइव कार्टून पोर्ट्रेट्स बना रहे थे और बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस भी थे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो मेहंदी डिज़ाइनर भी थी। उसके बाद फिर हम फूड कोर्ट चले गए और बहुत ही यहाँ पे वैरायटीज़ थी हर एक चीज़ में, लाइक बर्गर, सैंडविचेस, कॉर्न्स, जूसेस, लाइक एन नंबर ऑफ सारी चीज़ें थी यहाँ पे डिस्प्ले पे, कॉफ़ी, टी। बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा हमारा बुकशा मार्केट में, और बस इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।